बात होगी भारत के सबसे बड़े रेप स्कैंडल के बारे में। एक ऐसा रेप स्कैंडल जिसमें आरोप लगे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल थे। एक ऐसा रेप स्कैंडल जिसने 250 लड़कियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। एक ऐसा रेप स्कैंडल जो अजमेर में जब हुआ तो पूरे शहर में ये अफवाह फैल गई कि उनके घर की लड़की भी इसमें शामिल थी। क्या था पूरा मामला, जानेंगे हम इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं रवि मिश्रा, स्वागत करता हूँ आप सभी का वी युवा के क्राइम में। दरअसल ये सारा मामला शुरू होता है अजमेर में, राजस्थान का एक शहर अजमेर। जी हाँ, यहाँ पे अजमेर शरीफ दरगाह है जो कि विश्व प्रख्यात है, सभी मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए बेहद पाक जगह मानी जाती है। लेकिन जो इस दरगाह की सेवा करते हैं खादिम परिवार, उसके तीन लोग मुख्यतः उस समय कांग्रेस के उच्च पदों पर थे। यूथ कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे, एक वाइस प्रेसिडेंट थे, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। तो जो पूरा मामला है ये इन्हीं लोगों के अराउंड, जो मेन अक्यूज्ड है वो यही है। एक गर्ल्स कॉलेज के बाहर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे। गर्ल्स कॉलेज से बाहर एक लड़की रोती रोती आती है, तो इतने में फारूक उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। लड़की बताती है कि आज फीस जमा करने की लास्ट डेट थी, लेकिन मेरे पास फीस ना होने के कारण कॉलेज वाले ने मुझे एडमिट कार्ड नहीं दिया। फारूक, अनवर और नफीस आपस में बात करते हैं और उन्होंने उसको जो है फीस जमा करने के लिए पैसे दे दिए। अब लड़की फीस जमा कर देती है, आती है, उनको धन्यवाद करती है, थैंक यू करती है। फिर दो तीन दिन ऐसे ही इन लोगों के बीच और लड़कियों के बीच बात चलती रहती है। चौथे दिन क्या होता है, जब लड़की अपनी कॉलेज से बाहर आ रही होती है तो उसको घर ड्रॉप करने के बहाने ये तीनों लोग उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। वैन से वो उसको एक ऐसी जगह लेकर जाते हैं जिसके बारे में लड़की को पता नहीं था। वो उसको फार्म हाउस पर ले जाते हैं, उसके साथ रेप किया जाता है। ये पहली दफ़ा था जब अजमेर में, इस अजमेर कांड में पहली बार किसी लड़की के साथ रेप हुआ। मामला शुरू हो चुका था उस समय, उस लड़की की कुछ इमेजेस क्लिक की गई जो कि रेप करते हुए की थी। फिर दूसरे दिन एक बार फिर से उसको ये कहकर दोबारा बुलाया गया कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारी ये जो पिक्चर्स है इनको हम वायरल कर देंगे, इसको हम पब्लिश कर देंगे, हर जगह फैला देंगे, तुम्हारी बदनामी होगी। लड़की डर से दोबारा से उनके साथ आने के लिए मजबूर हो जाती है। एक बार फिर से ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिन बाद जो चिश्ती, ये जो गुट था, ये उनसे कहते हैं कि एक काम करो, अब तुम अपने साथ एक और लड़की को लेकर आओ। वो इसके लिए बिल्कुल मना करती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कहती है अगर नहीं करोगी तो इमेजेस हैं हमारे पास, जो हाल होगा वो तुम खुद देखोगी। लड़की जबरदस्ती अपने साथ अगले दिन अपने दोस्त को बेला फुसला कर लाती है, उसके साथ भी रेप किया जाता है। और यहाँ से इस जघन्य, इस कुख्यात रेप स्कैंडल की शुरुआत होती है। धीरे धीरे करके ये एक दो लड़कियों के साथ होने वाला रेप कब 250 लड़कियों तक पहुंच गया पता ही नहीं चला। कैसे कैसे करके उनके साथ रेप होने लगे। उसके बाद अब मामले में असली ट्विस्ट तब आता है जब इनकी जो इमेजेस क्लिक की गई थी, जो पिक्चर्स क्लिक किए गए थे, वो कलर लेबोरेटरी वाले को दिया गया, इसकी तुम नेगेटिव बना के हमको दो। अब कलर लेबोरेटरी वाला वैसे तो फारूक चिश्ती का दोस्त था, लेकिन उसमें जो काम करते थे लोग, क्या किया कि उस इमेजेस को देख के उनका मन फिसल गया, उन्होंने उसको लीक कर दिया, छोटे मोटे दामों पे उसको बेच दिया। अब ये सब फोटोज मार्केट में आ चुकी थी। धड़ल्ले से अजमेर में उन दिनों 1990 से 1992 के बीच ये सब इमेजेस बेचे जा रहे थे। लोग देख रहे थे कि कैसे अजमेर उस समय नंगा हो रहा था, और लोगों ने इतनी शर्मिंदगी भी नहीं रखी कि उन्होंने इसको खरीदना चालू कर दिया। खैर, अब इन सब मामले का खुलासा तब होता है जब दैनिक नवज्योति के एक रिपोर्टर संतोष वहां के अनाज मंडी में टहल रहे थे किसी काम से अपने दोस्त के साथ। तभी वो देखते हैं कि यार एक रील खरीदने के लिए वहां पे एक इंसान रेगुलर प्राइस से 4 गुना ज्यादा दाम पे कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आया क्या चल रहा है। रिपोर्टर वाला दिमाग लगाया तो वहां जाकर उन्होंने भी उसको खरीदा। जब उन्होंने उस रील को खोला और देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तुरंत अपने एडिटर साहब दीन बंधु चौधरी को कॉल किया और उन्होंने ये खबर दी। अब दीन बंधु चौधरी थे एकदम, मतलब तत्परता के साथ उन्होंने उनको कहा कि इस खबर को तुरंत छाप दो। अगले दिन के अखबार में इस खबर को छापा गया, लेकिन बिना किसी तस्वीर के। 3-4 दिन तक इस खबर को लगातार दैनिक नवज्योति ने छापा, लेकिन किसी का भी इस पर ध्यान नहीं गया। जो दीन बंधु साहब थे उन्होंने कहा एक काम करो, ऐसे तो खबर नहीं चलेगी, एक काम करो पिक्चर के साथ छाप दो। पिक्चर के साथ इस खबर को छापने एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि दीन बंधु साहब के पास लगातार कई दिनों से फोन आ रहे थे धमकी भरे कि अगर तुम इसको छापोगे तो तुम्हारा जो हाल है वो कुछ ठीक नहीं होगा, हशर तुम्हारा बहुत बुरा होगा। वो डरे नहीं, उन्होंने इसको छापा, इमेजेस के साथ साथ छापा। जिस दिन पिक्चर छपी उन्होंने कुछ मेन पार्ट्स को ब्लर करके दिखाया था, उस दिन पूरे अजमेर में आग लग गई। सभी लोगों ने शहर को जलाना शुरू कर दिया।
यहाँ पे एक बात ये भी थी कि हिंदू और मुसलमान के बीच जो है राइट्स दंगे हो सकते थे, क्योंकि मेनली जो है इसमें अजमेर शरीफ दरगाह के लोगों का जो इंटरफेरेंस बताया गया था। खैर जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा तो लड़कियों को बुलाया जाने लगा, उनको पहचान की गई कि कौन कौन सी लड़कियाँ इसमें शामिल थी, लेकिन लड़कियों की शिनाख्त नहीं हो सक रही थी क्योंकि कोई लड़की इसमें अपना बयान देने को तैयारी नहीं थी, क्योंकि उससे उनके परिवार की बदनामी होती, घर की बदनामी होती, शहर की बदनामी होती और कोई उनसे शादी करने को तैयार नहीं होता। उन दिनों की अगर हम खबरों की माने तो हालात तो ऐसे हो गए थे कि अगर कोई लड़का वाला लड़की देखने जाता था तो पहले उससे उसकी तस्वीर मांगता था, अपने नज़दीकी जो है अखबार जो है न्यूज़ जहाँ पे छपते हैं वहाँ पे जाता था, ये अखबार दिखाता था कि भाई साहब ये अखबार देखिए जरा, ये हमारी होने वाली बहू की तस्वीर इन सब तस्वीरों में तो नहीं है। इतने ख़राब हालत हो चुके थे उन दिनों अजमेर की। अजमेर 92 फिल्म भी इसी सब इशूज़ के ऊपर बनी हैं। खैर अंत में जाते जाते आपको बता दूं कि 18 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन आज की न्यूज़ ये है कि कोई भी इनमें से जेल के अंदर नहीं है। 250 लड़कियों के साथ जघन्य कुख्यात अपराध करने वाले ये आरोपी आज भी कहीं ना कहीं सुकून की सांस ले ही रहे हैं और उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए व्यूअर के साथ। मैं रवि मिश्रा, कैमरामैन वसीम के साथ।